सा सुबेदारान सरस्वती क्या कुछ कह रहे हैं, सीधा आपको लेकर चलते हैं। हम इस विषय पर पहुंचे, मुझे आश्चर्य हुआ कि राजस्थान के मुख्यमंत्री माने अशोक गहलोत जी जब उत्तर प्रदेश की सरकार अपराधियों के मकानों पर बुलडोजर चलाती है तो उस समय वो उनके रहनुमा बनते हैं और ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में गरीब लोगों के मकानों को तोड़ा जा रहा है, लोगों के मकानों को तोड़ा जा रहा है, बिना बताए तोड़ा जा रहा है, वो बेचारे कहाँ जाकर के ठहरेंगे। लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ, आम आदमी की बात तो दूर रही, 300-300 साल पुराने मंदिरों को जिस तरह से तहस नहस किया गया, जिस तरह से उन पर जेसीबी चला गई, बुलडोजर चलाए गए, हथौड़े चलाए गए और पूरे शिव परिवार की मूर्तियों को तोड़ करके जैसे वो नालों में जाकर के पड़ी और मंदिरों को जिस तरह से तोड़ा गया, मैं समझता हूं कि इस प्रकार की अराजकता तो हमने कभी नहीं देखी थी। अब माननीय मुख्यमंत्री जो कांग्रेस के नेता कहते हैं कि साहब बोर्ड ने, भाजपा के बोर्ड ने निर्णय लिया, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि क्या सालासर के अंदर, सुजानगढ़ के अंदर सालासर का जो गेट तोड़ा गया जिसके ऊपर सारी मूर्तियां उपस्थित थी, वहां भी भाजपा ने फैसला लिया था? और कई स्थानों पर इस प्रकार की घटना घटित हुई, क्या वहां भी भाजपा ने फैसला लिया था? गौशाला तोड़ी गई, क्या वहां भी भाजपा के बोर्ड का फैसला था? तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस के नेता, एक नेता ने तो यहां तक कह दिया, यानी मर्यादा भी किसी चीज की होती है। जिस पद पर हम बैठे हैं उस पद के ऊपर बैठ करके एक मर्यादा भी होनी चाहिए। एक नेता मैं बताना चाहूंगा, प्रताप सिंह जी खाचरियावास ने तो यहां तक कह दिया कि भगवान कपड़े पहन करके सन्यासी बनकर के लोग झूठ बोलते हैं। मैं समझता हूं कि उनको अपने गिरेबान पर झांकना चाहिए और उनको विचार करना चाहिए। हमने तथ्यात्मक विषय पेश किए थे, बोर्ड का वो प्रस्ताव आज मेरे हाथ में है। मैं पहले भी राजगढ़ में भी, रामगढ़ में भी, मैंने उस प्रस्ताव को राजगढ़ में भी लोगों के, पत्रकारों के सामने पेश किया था। वह स्पष्ट किया है हमारे बोर्ड के मेंबर्स ने कि वसुंधरा जी के समय में जो गौरव पथ बना था उसकी चौड़ाई 30 फुट थी, वो भी बाजार में बना, इसलिए कहा गया इसको पूरा किया जाए। और उस रिपोर्ट में स्पष्ट है, उस प्रस्ताव में स्पष्ट है, वहां के अधिशासी अधिकारी इस बात को कह रहे हैं कि कुछ छज्जे उसमें आ रहे हैं, चबूतरे आ रहे हैं, उनको हटा दिया जाए। तो क्या मंदिर का भी छज्जा था? क्या मंदिर का भी चबूतरा था? वहां तो पूरा मंदिर आ गया, तो वहां का अधिशासी अधिकारी खुद एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन इसके विपरीत मैं आपसे कहना चाहूंगा, वहां के विधायक जोरीलाल मीणा मीटिंग में उपस्थित थे, वहां की उपाध्यक्ष जो कांग्रेस की में चली गई वो उपस्थित थी, राजेंद्र बेरवाल जो वहां का पार्षद है कांग्रेस का वो उपस्थित था। और पूरी कार्रवाई पढ़ करके आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि जिस प्रकार से राजेंद्र जी जो कांग्रेस के पार्षद हैं उन्होंने बार बार ये बात कही कि केवल 3 दिन का नोटिस दे करके और इन मकानों को तोड़ दिया जाए, अतिक्रमण को हटा दिया जाए, जबकि प्रस्ताव में ये हुआ था कि चिन्हित किया जाए। आप सब लोग इस बात से अवगत हैं, चिन्हित का मतलब क्या होता है कि पहले चिन्हित किया जाए कि ये हिस्सा अतिक्रमण का है, फिर उनको नोटिस दिया जाए, उनकी सुनवाई की जाए और सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो उनको तोड़ दिया जाए। न चिन्हित किया गया, न सुनवाई का मौका दिया गया और सीधा ही डोजर चला करके उनको तोड़ दिया गया। मैं इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि ये बयान वहां की बोर्ड की रिपोर्ट कर रही है, उसके साथ में मैं आपसे कहना चाहूंगा, दूसरा विषय था बार बार मास्टर प्लान की बात करते हैं, मास्टर प्लान को भी मैंने पेश किया, ये मास्टर प्लान की कॉपी मेरे हाथ में है, मैंने वहां भी पढ़ करके सुनाई थी। मास्टर प्लान के अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है, मैं आपको फिर पढ़ करके सुना देता हूं,
सघन आबादी क्षेत्रों में जहां सड़कों को चौड़ा करना संभव नहीं हो वहां पूर्व स्वीकृतियों एवं भवन रेखा के अनुसार अपेक्षाकृत निम्न स्तर के मापदंड अपनाए जा सकते हैं। राजगढ़ के मुख्य एवं महत्वपूर्ण बाजारों की सड़कों को चौड़ा करने हेतु इनके आगे बने चबूतरों और अनधिकृत निर्माणों को हटाकर कुछ हद तक इन्हें चौड़ा किया जा सकता है, कुछ हद तक, यह स्पष्ट है उसमें कि कुछ हद तक चौड़ा किया जा सकता है। जब वसुंधरा जी के समय में हमारी सरकार थी राजस्थान में, हम 30 फुट का गौरव पथ बना सकते हैं, तो यह 60 फुट के मास्टर प्लान को लेकर के बैठ गए और